मैं पीरो मुर्शिद से गुजारिश करूंगा कि आपको जो है मुखातिब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وعده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بدنة من ربي خليفة الرحمن خليل النبي المعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا بالمرتدين इतनी देर से उम्मीदवारों की तकरीरें हुई जो भाई अंजुमन की सदारत के लिए आगे आए हैं खिदमत के जज्बे से और उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है कौम के सामने कि हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने के लिए। उन काबिल तारीफ बहादुर लोगों ने आज तकरीरें की, अपने आप को पेश किया, अपने प्रोग्राम पेश किया। मैं इस बात पर बड़ा जोर देता रहा हूँ और ये बात मैंने कही थी कि भाई जो भी उम्मीदवार है अपना मैनिफेस्टो पेश करें, अपना प्रोग्राम पेश करें। अब ये मत सोचिए कि गुज़िश्ता 30 साल में क्या हुआ, 30 ईयर्स बहुत बड़ा अरसा है, 3 डिकेड्स आते हैं इसके अंदर। तो मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है और मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी वक्त हम खराब कर चुके हैं, हमने काफ़ी गफलत की है, काफ़ी वक्त खराब किया है। कौम के लिए हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने किया नहीं। अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं इसका मकसद ही ये है कि अंजुमन को एक एक्टिव भाई चलने वाला घोड़ा बनाए, काम करने वाला इदारा बनाए, मकसद ये है। अब इसमें हमको इसकी खतन कोई अहमियत नहीं है कि कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं। सब भाई भाई हैं, हमारा जज्बा हमारी स्पिरिट ये होनी चाहिए कि हम मेक इट वर्क, इट्स नॉट वर्किंग। 30 ईयर्स हो गए, इट विल टेक अनदर 30 ईयर्स। अगर हम फजूल बातों में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में और औकात खराब करते रहे, मरकजी अंजुमने मैदलिया हैदराबाद की बदनसीबी तो देखिए, अब 30 साल के बाद इलेक्शन हो, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, 10 साल में कितना काम हो सकता था। जो बच्चे पैदा हुए वो 10 साल बड़े हो गए। आप और फरमाइए, अंजुमन ने कुछ नहीं किया और क्या हुआ, आपस में अख्तिलाफ, दुश्मनी, इससे हासिल नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपकी अंजुमन आपके लिए कुछ करे, उठ के खड़ी हो। आप देखिए, एक घोड़ा है, आपने उसको पाला, क्यों पाला, सवारी करने के लिए। अब घोड़ा सवारी के काम आता ही नहीं है तो फिर उसको रख के हासिल क्या है, उसके हासिल क्या है। अंजुमन है कौम के लिए और
अंजुमन को काम करना चाहिए कौम के लिए, अंजुमन बाकी रहे तो कौम के लिए, खत्म हो जाए बड़ा रफ कौम के लिए। अगर उसको कुछ करना नहीं है कौम के लिए तो इस इदारे की जरूरत ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये इदारा कारकर्द हो, कारकर्द के माने हैं एक्टिव हो, काम करे, कुछ मिल्लत की खिदमत करे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपने हम पूछे के प्रोग्राम पेश किए, कई लोगों ने कई ख्याल जाहिर किए, अपने अपने इरादे जाहिर किए। मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ आपको, हैदराबाद में हमारे कितने बच्चे टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास के पास हुए, मगर अमेरिका नहीं आ सकते, नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ये अंजुमन हियर इज द रोल, ये चीज है अंजुमन, ये काम करना है। हमारी कौम के बच्चे जो अमेरिका आना चाहते हैं और नहीं आ सकते, उनकी मदद करे तो मैं बोलूंगा कि अंजुमन अंजुमन है, नहीं तो अंजुमन नहीं। कौम की तरक्की, कौम की भलाई, कौम की बहबूद, कौम की खुशहाली, कौम की तरक्की, अंजुमन का मकसद ये है। और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ, तो कोशिश ये कीजिए कि इलेक्शन से एक दूसरे की निगाहों में फर्क ना आ जाए, एक दूसरे के ताल्लुकात खराब ना हो जाए। या तो और हम चाहते हैं कि इत्तेहाद बढ़े, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से ताल्लुक, कौम का इत्तेहाद, ये मकसद है अंजुमन का। और अगर यही फेल हो गया तो फिर अंजुमन की जरूरत ही क्या है। इस मकसद को कामयाब बनाइए, अंजुमन को कामयाब बनाइए। अंजुमन आपसे है, आप अंजुमन से नहीं है, अंजुमन को आपकी खिदमत करनी है। इसका प्रोग्राम होना चाहिए, एक क्लियर विजन हमारे सामने होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर बिफोर अस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इज अवर प्रोग्राम, आर वी गोइंग टू डू एनीथिंग एट ऑल, और सिंपली दो जैसे करे और अंजुमन खत्म, दो जैसे साल भर में मिलत का एक जलसा, उसका एक जलसा और अंजुमन का काम खत्म। ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है क्या? हैदराबाद में भी यही रोना है और यहाँ भी रोना शुरू होगा, अब नहीं होगा, मैं आ गए, ये नहीं होना है, इंशाल्लाह नहीं। हमको हमारे बच्चों के लिए ऐसी अंजुमन दे के जाना है कि जो अंजुमन कौम की खिदमत करे, कौम को फायदा पहुंचाए, आने वालों को भी, आके जाए जो ठहर गए हैं उनको भी, जो यहाँ से जाने वाले हैं उनको भी, सबको फायदा पहुंचाए। अंजुमन का काम तामीरी, कौम को तरक्की देने का काम होना चाहिए, न कि कौम को मीठी नींद सुला देना, ये काम अंजुमन का नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन के अंदर आप बिल्कुल लिबरल हो जाइए, आप अपने भाई को वोट दीजिए अगर वो काम करने वाला है, और अगर काम करने वाला नहीं है तो अपने भाई को वोट मत दीजिए, मत दीजिए, हरगिज मत दीजिए। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, दिस इज टाइम टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। ये बेकार बातों की जरूरत नहीं है, हमको काम करने वाला चाहिए, वक्त देने वाला चाहिए, पसीना बहाने वाला चाहिए, नए नए प्रोग्राम लाने वाला चाहिए, कौम को फायदा पहुंचाने वाला चाहिए। ये हो सकता है तो इलेक्शन कीजिए,
मेरा आज करना ही है, इलेक्शन क्यों कर रहे हैं भाई? इलेक्शन करने का मकसद ये है जस्ट टू एक्टिवेट द एनीवन। आप और फरमाइए, ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, बल्कि अगर बहने यहाँ होती तो उनको सुन रही है, अगर वो सुन रही है तो भाइयों बहनों दोनों से मेरे दीदी भाई मेरे दीदी बहने जो मेरे हम अकीदा है, वो कोशिश करें कि एक ऐसी बॉडी को लाए। ऐसी बॉडी बहुत हो चुका, अब आप गिला शिकुआ बेकार है। गिला शिकुआ किससे गिला करेगा, किसको बुरा बोलेंगे? अपने आप को बोलना पड़ेगा, हम वो जिम्मेदार है। तो इट इज टाइम राइट नाउ, अब वक्त है कि हम अंजुमन को नींद से जगाए, जिंदा करें, उसको कारकर्द बनाए। कारकर्द के माने हैं एक्टिव, जस्ट टू एक्टिवेट इट, गिव इट सम वेरी सिंपल प्रोग्राम। बड़े मुश्किल काम मत दीजिए, बहुत आसान काम दीजिए, छोटे छोटे काम, हमारी कम्युनिटी की जरूरत के काम, जो हमारी कौम के अफराद की मदद कर सके, ऐसे छोटे छोटे काम दीजिए। लेट इट वर्क, इफ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, गुड बाय टू यू। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है, इलेक्शन के नाम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ब्रश करने के लिए है, मशीन पे जो धूल जम जाती है आप लोगों पर उसको झटकना, साफ करना, मेक इट वर्क, समझ रहे साहब? इत्तेहाद और बढ़ना चाहिए। आपको ये बात मेरे ख्याल में मुश्किल मालूम होगी, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, रसूल मेहदी के सदके से, इलेक्शन की ये कोशिश आप तमाम भाइयों बहनों में एक दूसरे से दोस्ती, मोहब्बत, हमदर्दी, एक दूसरे की गमखौरी, एक दूसरे की खैरियत पूछना, ये जज्बा आप में अल्लाह पैदा करे तो मैं समझूंगा कि ये इलेक्शन चीज है, वरना इलेक्शन बेकार है। तो ये चीजें जो भी आता भाई, कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं, सब अपने भाई हैं, दीन के नाते, अकीदे के नाते भाई। और हैदराबाद में हम सब मिलकर रहते थे, यहाँ भी रह सकते हैं अगर चाहें। तो ये वक्त है कि हम सब के सब कोशिश ये करें कि हमारी मिल्लत का इत्तेहाद बढ़े और हमारी अंजुमन कारकर एक्टिव बन जाए। बस मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा, और उससे ज्यादा वक्त खराब करना बेकार है। वक्त मैं आपसे साफ साफ कह दे रहा हूँ, मेरी बात करनी लगेगी, नहीं नहीं, मगर वॉट इज द गुड ऑफ अवर डूइंग इलेक्शन, बोलिए बताइए। इलेक्शन की जरूरत बगैर इलेक्शन की भी एक चल रहा था, वक्त खराब नहीं हो रहा था, इलेक्शन की वजह से वक्त खराब हो रहा था। न होता तो वैसे सोते रहते, हमारी खौफ आदी है और क्या सो जा रहा, ये हम उसके आदी है। ओढ़ना मुश्किल ये है, मुंह पे नहीं ओढ़ना चाहिए। मैं हर एक से बोलता हूँ, जो कंबल या शाल या जो भी चीज हो, रजाई है, रजाई को मुंह के ऊपर ओढ़ लीजिए। उनसे मैं खास तौर से नेकी सवाब का काम समझ के उनसे बोलता हूँ, जरूर बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई लुइडम देता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाती आप मुंह के ऊपर रजाई हो रही तो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी आपको? वेंटिलेटर लगाना पड़ता तो वो रजाई मुंह पे तो मत बोलिए,
ओढ़िए सारे जिस्म पे, बट नॉट ऑन योर फेस। आपको सांस लेना है, आपको ऑक्सीजन मिलना है, तो खुली हवा मिलनी चाहिए। हर किस मुंह पे और पे नहीं सोना चाहिए, वो हेल्थ के खिलाफ है। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि नए चेहरे, अगर उनसे उम्मीद है कि वो हमारी किस्मत बदल देंगे, काम करने वाले होना, काम नहीं करने वाले नहीं होना, बस ये स्पिरिट से इलेक्शन कीजिए। और मैं ये देखना चाहूंगा कि हम भाइयों में इत्तेहाद और बढ़े। ये वो दूध है जिसमें थोड़ी और शक्कर डालने की जरूरत है, शीरी। ये चाय वो चाय है कि जिसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए खड़ा चमचा। पुरानी बात याद दिला दी, शक्कर इसलिए डालो कि चमचा खड़ा हो जाए। तो भाइयों, बहने हैं नहीं यहाँ, उस तक जाकर बहने हैं, तो उन बहनों से मेरी गुजारिश है कि भाई फॉर द टाइम बीइंग ये भूल जाइए कि शायद अली खान मेरा भाई सही भी भाई है, समझे ना, नहीं है क्या? अगर शायद अली खान हार गए तो मेरे दिल को रंज होगा, शायद अली खान जीत गए तो मुझे खुशी होगी, मगर मैं सिर्फ शायद अली खान के लिए ये नहीं चाहता हूँ, हर एक के लिए, हर उम्मीदवार के लिए चाहता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि आप भी उम्मीदवार हैं, आप भी उम्मीदवार हैं, नो, मैं तो नए चेहरे देखना चाह रहा हूँ जिनमें कुछ एनर्जी हो, कुछ जज्बा हो, खिदमत का, कुर्बानी का, वक्त देने का, पैसा देने का, कौम की खिदमत करने का, जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिट हो, लेकिन कम लेकिन कम साहब, हम इस्तेमाल करने तैयार हैं, हम गले लगाने तैयार हैं, आइए जो साहब भी हो, सब हम सब एक हैं, आखिरकार हम सब एक हैं, हजार हम लड़े झगड़े जो प्लान करे, मगर आखिर में फिर हम मिल लड़ झगड़ के फिर मिल जाते, हमारी कौम है ही ऐसी। तो भाई खुदा के लिए कौम के इत्तेहाद को मत तोड़िए, इलेक्शन जरूर कराइए, लेकिन इलेक्शन का मकसद कौम को बेदार करना है, बेदार के माने बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ हमारी कौम को होशियार करना है, काम करना है। यहाँ हम आके इतने साल हो गए, किसी पड़ोसी से पूछे कि भाई व्हाट इज मैदरी, व्हाट डू दे बिलीव, आप पूछिए, वो नहीं बता सकेगा मैदरी किसे कहते हैं। हमने अपनी मैदवियत को जाहिर किया ही नहीं, अपने अखलाक से, अपनी नेकी से, अपनी इबादत गुजारी से हमको एक खास मकाम बना लेना पड़ता था। हर जगह हमारी तारीख यही बता रही है कि हमारे बाप दादा 500 साल से ये काम करते आए हैं, कि जहाँ वो जाते लोग बोलते कि भाई मैं तभी है, झूठ बताओ, उससे तो मत करो, झूठ नहीं बोला, पूरे पैसे दबा लिया, वो मैदवी नहीं होता गया, मैदवी लोग निकल देगा। तो दिस वॉज द इम्प्रेशन ऑफ अवर फोर फादर ऑल थ्रू अवर हिस्ट्री। आप ये गौर फरमाइए, हम अमरीका में हैं, अल्लाह हमको अमरीका में भेजा, और भी भाई और भी बहने हैं जो तालीम याफ्ता है, क्वालिफाइड है, आ सकते हैं, आ नहीं रहे हैं, मदद करो, हाथ पकड़ के खींच के इधर करो,
भाई सात समंदर के ऊपर से खींच लो, आगे बढ़ो। ऐसे कितने बच्चे हैं फर्स्ट क्लास पास हुए, अमेरिका नहीं आ सकते, और थर्ड क्लास पास हुए आ चुके हैं नाम बदनाम करने के लिए। सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए थर्ड क्लास से आए हैं, आके बैठ गए, कोई काम नहीं करते। क्या चाहते ऐसा है कि काम करने वाले हो अपनी कम्युनिटी को। आप ये देखिए बात कहो, ये बात अब आजकल ये हुआ है, झेड़ों में ये बात पैदा हुई, मिलजुल के काम करना, एक दूसरे को मदद करना, तरक्की देना, आगे बढ़ना, टू हेल्प इच अदर, ये बात पैदा हो गई है। और हम लोग ये सबक भूल गए ना। तो मैं नबी माऊद अलैहिस्सलाम भाई भाई फरमाए, भाई भाई अपने फर्जन को भाया से महबूब फरमाते थे, अपने फर्जन अर्जुमन बंदगी मेरा सैयद महमूद को क्या फरमाते थे, काटना भाई भाया सैयद महमूद बोलते, अपने बेटे को भाई बोलते थे, हमारे आका ने यह तालीम दी है, हम अपने आप को अपने आपस में सब भाई भाई है, सब भाई भाई है। भाई चार दिन की जिंदगी है, चार दिन जीना है, फिर दुनिया से चले जाना है। तो लेट अस वर्क फॉर द कम्युनिटी, हमारे भाई की दुकान है, सबको मालूम है, हमारी सारी कौम को मालूम है, दुकान का पता बोलो चाहिए, गए कि वहाँ से कोई हेल्प हो रहा है, भाई थोड़ा चीज चाहिए, थोड़ा चीज चाहिए, थोड़ी मदद कर दो हमारी, फौरन मदद, फौरन मदद करते हैं अल्लाह आगे। तो मेरा मतलब ये है मेरे कहने का कि कौम और मिल्लत के लिए जो कर सकते हैं वो हम करें। इलेक्शन का मकसद कौम का फायदा है, कौम का नुकसान है, और आपस में अख्तिलाफ लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को कोई नहीं बोलना, नहीं ये इलेक्शन से और इतिहाद बढ़ना चाहिए। मेरी राय तो ये है, मैं हर एक को यह मशवरा दूंगा कि कम फॉरवर्ड टू हेल्प द कम्युनिटी। अनुमन के बाद जो नई बॉडी आएगी उस बॉडी को हम देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम उसको मशवरा देंगे, हम उसको सपोर्ट देंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेट इट कम, नए चेहरों को आगे गिरे, यार वेलकम, यार नॉट अगेंस्ट देम। तो ये इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस इलेक्शन को कामयाब कीजिए, इलेक्शन से फायदा उठाइए, नुकसान मत उठाइए। इलेक्शन से फायदा होना चाहिए मिल्लत का, मिल्लत मिल्लत के माने ब्रदरहुड, मिल्लत का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन को ऐसा कर दीजिए आप एक दूसरे की मोहब्बत से, एक दूसरे के खुलूस से, इत्तेहाद से, भाई भाई के जज्बे से, भाई दूसरे मुल्क के लोग हमारे हिंदुस्तान आते हैं, वो है किसी दूसरे मुल्क के हिंदुस्तान आते हैं, तो हमारे मुल्क में क्या नारा सारे नारे बुलंद होते हैं, रशियन इंडियन भाई भाई, चाइनीज भाई चीनी इंडिया भाई भाई, लेकिन अपने आपस में भाई भाई नहीं होते, ये क्या बात है। वक्त ज्यादा हो गया है और बिलावजे वक्त दाया कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों को काम का काम करना चाहिए, यानी इलेक्ट द राइट बॉडी, लेट देम कम फॉरवर्ड, लेट देम वर्क हार्ड, खटप, यही है मैसेज सारी बातों की, एक बात यही है, इससे बढ़ के बेकार बातें करना, फजूल बातें करना, वेस्टिंग टाइम, that too, after coming to America, if we have not learned this lesson,
वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग। सुभान सुभान। अगर हमको काम करना नहीं आया, काम करने का सलीका नहीं आया, तो हम बेवकूफ हैं। वक्त तो काम करने का है। वक्त का चैलेंज ये है कि हम काम करें। अब तक इतने लोग तो मौजूद हैं, इनके दुगने आ जाना चाहिए था। एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की खबर लेते। आप गौर करो, जो आ गए हैं वो कितने पीछे हैं, उनको पुश करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, खैरियत पूछने वाला कोई हो? कोई तो मिजाज पूछे, अरे भाई कैसे हैं, क्या बात है, खैरियत से है क्या, मिजाज अच्छा है। यह है ही नहीं स्पिरिट हमारे अंदर। अरे अपना भाई को भाई के काम ऊपर ताकि चल जाता, ये नहीं हो रहा। नहीं होगा। इतिहास पैदा कीजिए, इलेक्शन इतिहास का जरिया होना चाहिए। आने वाले को काम करने पे मजबूर कीजिए। हाँ, जो भी आएंगे, जो भी काम होगा, हम उनको काम नहीं, वो नहीं जानते तो हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम नहीं बता सके तो वो खुद काम करेंगे। बहरहाल ये डिसाइड कर लीजिए, ये अपने दिल में तय कर लीजिए कि ये इलेक्शन के बाद वी आर गोइंग टू वर्क। हमारी अंजुमन जो है वो जिंदा होगी। आंख मल के दीन को झटक देगी और कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। बेचारी लड़कियाँ पर्दे में रहती हैं और कोई उनकी खबर नहीं देता, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या हुआ कोई नहीं देता। हैदराबाद से उनको अमेरिका लाइए। इम्पेरिज्म इम्पेरिज्म लेकिन कम किया। दिस इज टाइम। बच्चों को बुलाओ, बच्चियों को बुलाओ, बूढ़े हो गए हैं भी क्वालिफाइड है तो बुलाओ, हेल्प करो। अंजुमन क्या कर रही है, अंजुमन क्या कर रही है भाई? सब जो होतेदार है अपने अपना देखे तो कैसा हो, कौम का देखना ना, मिल्लत का। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना वरना ताज के लिए कुछ कम न से करो मिया। यानी अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया, तबाज होता है ऐसे तो बहुत पैदा कर लेता, वरना कुछ कम न थे, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करो मिया। इबादत करने के लिए तो बहुत थे, कई मखलूकात पैदा कर लेता, पर इससे नहीं पैदा किया। 24 घंटे वो अपने काम में, उनकी जो खिदमत है वही अंजाम देते हैं, उससे हटते नहीं। फरिश्ता अपनी खिदमत से हटता नहीं, खुदा की इबादत। सिर्फ इबादत के लिए पैदा करता तो हम सिर्फ इबादत ही करते रहते, मगर पैदा किया है दर्द दिल के लिए, अपने भाइयों की खबर लेने के लिए, अपनी बहनों का हाल पूछने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया। काश हम इस जज्बे से काम करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे, हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम मिल्लत के लिए काम करें, मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम दें, जिए तो अपनी कम्युनिटी के लिए, मरे तो अपनी कम्युनिटी के लिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन। बस इस दुआ के साथ इस गुफ्तगू को, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं जो भी सदर बनते हैं बनने दीजिए, तो फिर आप उनका आप उनकी खबर लीजिए। अब तक तो नहीं लिए, अब तक उनका हाल नहीं पूछे। रहमत भाई सही आदमी है, हर एक के लिए वो बरंदा मरण, किसी के बेचारा न लड़ाई में न झगड़े में न इसमें, तो हर एक उनको जो है रहमत भाई है ना, रहमत भाई है ना, बस ये इत्मीनान में रहे। अरे अब सवाल ये पैदा हुआ कि आने वाला कुछ काम करेगा या नहीं करेगा,
अगर शाहिद अली खान साहब बन गए सदर, अगर शाहिद अली खान साहब बन गए मैं तो पूछूंगा शाहिद क्या काम करे तुम सदर बन गए। और आप सब भी यही पूछिए कि शाहिद जान क्या काम क्या कर रहे हैं सदर बन गए क्या के वास्ते सदर बने तो नाम पड़ा होगा सदर का, काम करो। तो ये है लेट एवरी बॉडी वर्क, कमेटी के हर मेंबर को काम करना पड़ेगा। हमें जीवन को बेदार कीजिए, उसमें लाइए होशियार कीजिए और आप काम कीजिए, अल्लाह वास्ते काम करने का जज्बा बेदार कीजिए। गिल्ला हमारे पास एक टर्म है भैया, गिल्ला बेशक। तो हमारे बुजुर्ग जो काम करते थे गिल्ला, और उसके साथ बोलते थे फिला, खत्म लीला फिला, खत्म काम करें तो करो नहीं। तो ये जज्बा अमेरिका में है तो और ज्यादा जरूरत है इसकी, इसकी जरूरत अमेरिका में ज्यादा है, इंडिया में नहीं है, यह जरूरत ज्यादा है। तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आएगी वो पार्टी को काम करना चाहिए, मैं यही बोलता हूँ। शाहिद अली खान साहब सदर बन गए, मुझे कोई वो नहीं है, आप मेरे भाई या आप बने या आप उम्मीदवार है कि नहीं जो भी उम्मीदवार है वो सब जवाब भी है, हम सब उनसे उम्मीदवार, वो हमसे उम्मीदवार हैं कि सदर बनाएंगे, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो सदर बन के काम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी पीर मुर्शिद की जो है बयान रहा है, मिलत के लिए रहनुमाई और गाइडेंस माशाअल्लाह से जो है आज भी इतना बेहतरीन जो है गाइडेंस जारी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि पीर मुर्शिद का साया हम पर रहे, उनकी जो है गाइडेंस हमको मिलता रहे, और नई अंजुमन को भी जो है ना उनका गाइडेंस इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इसी के साथ ये डिबेट ख़त्म होता है। आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने जोश और खरोश से हिस्सा लिया, खासतौर पे उम्मीदवारों से, चारों उम्मीदवारों से का मैं मशहूर हूँ, और तमाम गेस्ट जो आए हैं, लिमिटेड गेस्ट आए हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसमें शिरकत करके इसको कामयाब बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अब तस्बीह होगी, तस्बीह के साथ ये डिबेट का जो है प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा, तस्बीह के बाद में करें, तस्बीह के बाद जी السلام عليكم ورحمة الله भी है, लियाकत भी कैंडिडेट है, आइए जवाब दे, जवाब भी हमारे जुबैर कैंडिडेट, जुबैर भाई आइए स्टैंडर्ड कायम करने, उसके बाद तीनों भी कैंडिडेट हैं, जुबैर अली भाई शकील भाई का।